अभी इसमें 5 ग्राम का चांदी का सिक्का एक मेरे पास 2-3 पहले का पड़ा है, इसमें ही टेस्ट करता हूँ। जो कि ये चांदी बिल्कुल बाजारी चांदू है, बराबर सूद नहीं आती है, मिलावट वाली आती है, लेकिन पड़ा है तो टेस्टिंग के लिए चलेगा, इसलिए इसका टेस्ट करता हूँ। जो हड़ताल चारों अजमा योग से हड़ताल बनाई है, वो हड़ताल को इसमें पकाने के लिए डाल रहा है। अब उसको चालू करते हैं, चालू कर दिया अभी चालू। निकल दिया वो बोले क्या।
बिगड़ गई है। इसमें हड़ताल का टुकड़ा डालते हैं। हड़ताल अंदर पिघल रही है। बराबर चपड़ी भी आ गई है। अब खोल दे, बंद कर दे ये सब। अरे ये मोटर नहीं, ये सब में थोड़ी रह गई है, कोई बात नहीं, तो बाद में निकल जाएगी। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। चांदी में कोई असर उसका हुआ नहीं है। ये प्रयोग में विधान था चांदी में कलर देने का, लेकिन कोई भी असर इसमें हुआ नहीं है। इसलिए एक प्रयोग मेरी दृष्टि से तो फेल है। ये तो चांदी में कलर तो आना चाहिए, थोड़ा सा भी शेड तो दिखना चाहिए, वो भी नहीं है। ये प्रयोग फेल कहा जाता है। वो ये चांदी पिघाल कर उसमें ट्राई करते हैं पत्री हड़ताल का क्या होता है। अब ये चालू कर दिया, बार ये पत्री हड़ताल पे ट्राई करते हैं। पहली बार ये डाला था, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन पत्री हड़ताल भी हमने तैयार किया है। अब ये देखते हैं, दोनों हड़ताल साथ में ही तैयार किया, दो में से कौन सी हड़ताल काम करती है, या तो दो में से एक भी काम नहीं करती है, ये अभी मालूम हो जाए। गलने की तैयारी में है ऐसा लगता है। लेकिन इसमें एक हमारी गलती ये भी है, चांदी को भूखी करके कोई भी वस्तु बांधना चाहिए। जो मैंने चांदी को भूखी नहीं किया है, ऐसे ही बाजार निकाले। चांदी को भूखी अवश्य करना चाहिए कोई भी वस्तु बांधने के लिए। आपको मैं बता दूं,
डाल दिया है, मटर का टुकड़ा डाल दिया। इसमें भी कोई भी असर हुआ नहीं है। ये प्रयोग संपूर्ण निष्फलता की ओर है, संपूर्ण निष्फलता की ओर, कोई सफलता इसमें नहीं है।